Hello everyone, now in this session we will learn about climbers. Climb means kya hota hai, aapko iske meaning se hi iska meaning samajh mein aa jayega. What is the meaning of climb? Climb matlab chadhna, okay? Climb matlab kya hota hai, chadhna. So these are climbers, theek hai? To aapko idea andaaza ho raha hoga ki what are these kinds of plants. These are very weak plants with weak stem. Ye bahut hi weak matlab kya hota hai, ekdam nazuk, right? To ye bahut hi zyada nazuk, बहुत ही ज्यादा डेलिकेट टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ही ज्यादा वीक होती है. ओके, दीज आर वेरी वीक प्लांट्स विद वीक स्टेम. बताया मैंने कि दीज आर वेरी डेलिकेट प्लांट विद वीक स्टेम. इनकी जो स्टेम होती है वो इतनी नाजुक होती है कि मान लो अगर हम इसको जरा सा जोर से पकड़ लें तो इट विल गेट क्या हो जाएगा, टूट जाएगी. ठीक है, सेकेंड थिंग, दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओन. अब वो इतनी वीक होती है, इतनी वीक होती है उनकी स्टेम्स कि उनकी स्टेम्स खुद को ऐसे खड़े नहीं हो पाती. दे नीड सपोर्ट. ओके, तो क्या होता है कि जैसे ट्री अपने आप खड़ा होता है, श्रब अपने आप खड़ा होता है, हर्ब्स अपने आप खड़े होते हैं, पर जो क्लाइंबर्स होते हैं वो बिना किसी सपोर्ट के खड़े नहीं हो सकते क्योंकि वो इतने वीक होते हैं. ओके, सो दे नीड सपोर्ट. उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ताकि वो एकदम स्ट्रेट खड़े हो पाए. ठीक है, नाउ यू सी दिस इज अ पॉट एंड दिस इज कोई भी एक प्लांट है एंड दिस पिंक कलर यू कैन सी दिस पिंक कलर. सो इट इज अ काइंड ऑफ स्टिक व्हिच आई हैव गिवन द सपोर्ट. सो दिस इज अ क्लाइंबर्स जो ऊपर चढ़ रही है लेकिन सपोर्ट से. सपोर्ट किसका मिल रहा है इसको, स्टिक का. ओके, आई थिंक यू हैव एग्जाम्पल्स आर ग्रेपवाइन. ग्रेपवाइन यानी होता है अंगूर. तो जो अंगूर का पेड़ होता है, नॉट पेड़ होता, बेल बोलते हैं उससे हम हिंदी में. क्लाइंबर्स को हिंदी में बेल भी बोलते हैं. तो जो ग्रेपवाइन है यानी अंगूर है उनके पेड़ नहीं होते, उनकी बेल होती है और जिनको हमें सपोर्ट देना पड़ता है. ओके, पी यानी मटर का पेड़, वो भी पेड़ नहीं होता, वो भी बेल होती है जिसे हमें सपोर्ट देना पड़ता है. एंड मनी प्लांट, आई थिंक मनी प्लांट सभी ने देखा होगा जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा होता है. Now this is over and the last topic is creepers. So,